हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किरण शेटे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फाउंडर डायरेक्टर, स्पाइनोलॉजी क्लिनिक पुणे। आज मैं आप सबके साथ वायरल अर्थ्राल्जिया ये कंडीशन के बारे में बात करूंगा। पोस्ट वायरल अर्थ्राल्जिया एक काफी कॉमन कंडीशन इंडिया में हम देखते हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ जब भी वायरल इन्फेक्शन बढ़ते हैं तो ये कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे अपने कंट्री में यूजुअली चिकनगुनिया, डेंगू, ये फीवर जो कि वायरल फीवर से उसके बाद ये काफी कॉमनली दिखाई देता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये पोस्ट वायरल अर्थ्राल्जिया वायरल इन्फेक्शन के बाद होता है, परंतु हम अभी कुछ ये कोविड पैंडेमिक के बाद कोविड के कुछ पेशेंट्स भी हमारे पास जॉइंट का इन्फ्लेमेशन लेके प्रेजेंट होते हैं। सो कोविड ये एक और एक कंडीशन है जो हमें ध्यान में रखनी होगी, चिकनगुनिया, डेंगू के साथ साथ और भी कई वायरल इन्फेक्शन हैं जो कि अनडायग्नोज भी होते हैं, उनके बाद भी पोस्ट वायरल अर्थ्राल्जिया होता है। पोस्ट वायरल अर्थराइटिस हम इसे इमीडिएटली नहीं कहते हैं बिकॉज ये थोड़ा मिसनॉमर होगा। यूजुअली ये ओनली इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग हो जाती है, और इसका रीजन भी बहुत बार होता है कि हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है आफ्टर वायरल इन्फेक्शन, हमारी इम्यूनिटी हमारे ज्वाइंट्स के अगेंस्ट ही काम करना चालू कर देती है, और इसीलिए इसे अर्थ्राल्जिया कहा जाता है पोस्ट वायरल। यूजुअली दो टाइप में प्रेजेंट होते हैं पेशेंट्स इसके, एक तो विथ ज्वाइंट पेन्स इमीडिएटली आ जाते हैं, एंड देन उसके बाद उन्हें फीवर और मलेज और नौशिया बाकी सिम्टम्स चालू होते हैं। कुछ पेशेंट्स पहले फीवर या फिर यू नो शिवरिंग एंड ऑल वो हो जाता है उन्हें जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है, और उसके बाद दो चार पांच दिन के बाद होगा एक हफ्ते के बाद उन्हें ज्वाइंट पेन्स चालू हो जाते हैं। मायल्जिया ये तो वायरल इन्फेक्शन का एक कॉमन सिम्टम नहीं है, बट इसी के साथ साथ जॉइंट पेन्स भी काफी जोरदार चालू हो जाते हैं। सो ये दो टाइप में प्रेजेंट होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा कॉमन नी जॉइंट अफेक्ट होता है, ऑफकोर्स काफी लोगों में पॉली आर्थ्राइलिया भी होता है जैसे मल्टीपल ज्वाइंट भी अफेक्ट होते हैं, और कॉमनली स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स, वहां पे टेंडरनेस, देन टेम्परेचर, ज्वाइंट गर्म रहना, ये सब सारे, और मूवमेंट करना स्पेशली मॉर्निंग में उनको ज्यादा तकलीफ होती है, बेड से बाहर आना भी मुश्किल हो जाता है। जब हम इन्हें इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ऑफकोर्स वायरल इन्फेक्शन है तो उसका डायग्नोसिस करना जरूरी होता है, और उसी के साथ साथ फिर प्लेटलेट काउंट्स और बाकी जो इम्यूनिटी स्टेटस है वो भी हमें देखना होता है और उसे करेक्ट करना होता है। इसे एक्सरेज वगैरह में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं दिखाई देंगे क्योंकि ये सिर्फ एक पोस्ट वायरल इन्फ्लेमेशन है या अर्थ्राल्जिया है। यूजुअली पैरासिटामोल इसका एक ड्रग ऑफ चॉइस है, हम यूजुअली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देना अवॉइड करते हैं इनिशियल फेजेस में क्योंकि प्लेटलेट काउंट्स कितना है उसके ऊपर वो सब डिपेंड करता है, परंतु सिंपल कॉन्जर्वेटिव ट्रीटमेंट्स और मेडिसिन रेस्ट इसे बहुत हेल्प करता है। इसी के साथ साथ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जैसे कि विटामिन B12 हो, मल्टी विटामिन हो, विटामिन सी हो, इन सब का सपोर्ट पेशेंट को रिकवर करने में बहुत हेल्प करता है। मोस्ट ऑफ द जॉइंट पेन्स आफ्टर पोस्ट वायरल अर्थ्राल्जिया 4 to 6 weeks के अंदर कम हो जाते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बहुत रेयरली कोई पेशेंट्स आगे जाके भी इनका दर्द 6 महीना या 1 साल से ज्यादा भी रह सकता है, और उन्हें भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ साथ फिर फिजियोथेरेपी, मोबिलाइजेशन, मैनुअल थेरेपी, ये बाकी ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि पोस्ट वायरल अर्थ्राल्जिया को हम प्रॉपरली डायग्नोस करके हमें रूमेटोलॉजिकल कंडीशंस जो है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या गाउटी आर्थराइटिस है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ये जो आर्थराइटिस है वो रूल आउट करना जरूरी है, क्योंकि यदि हम इसे पोस्ट वायरल अर्थराल्जिया का नाम दे देते हैं तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं होगी और वो ज्वाइंट को और डैमेज करती जाए। दूसरी चीज है पोस्ट वायरल अर्थ्राल्जिया ही 6 हफ्ते के बाद भी दर्द देने रखता है तो हमें वापस इसे एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि ये अर्थ्राल्जिया 6 हफ्ता या 8 वीक्स के ज्यादा यदि जॉइंट को तकलीफ दे रहा है तो ये भी अर्थराइटिस के चेंजेस बाद में कर सकता है। सो ये पोस्ट वायरल अर्थ्राल्जिया स्पेशली वायरल इन्फेक्शन के बाद दिखाई देता है, इसे हमें प्रॉपरली टाइम पे आइडेंटिफाई करके टाइमली प्रॉपर ट्रीटमेंट करके हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। सो ये था पोस्ट वायरल अर्थ्राल्जिया। इसके बारे में आपको फिर भी कोई सवाल है, कोई डाउट्स है तो आप हमें जरूर लिखें, हम इसे आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे।